तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड से। हमारा जो लीनियर इक्वेशन जो इस तरीके से बन रहा था, इसको भैया हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लोग ग्राफ नहीं है इस तरीके से ड्रा कर रहे थे, कभी हमारी लाइन इस तरह रहती थी, कभी इस तरह लाइन रहती थी, तो हमारी क्या बनती थी हमेशा बताइए आप लोग, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती थी। क्या बनती थी बताइए आप लोग, स्ट्रेट लाइन बनती थी। बच्चों, हमारा ऐसी लाइन नहीं बनती थी, कभी कर्व वर्व नहीं बनता था। तो प्यारे बच्चों, इसी बात पर हमें ध्यान रखना, पहली बात कि हमारी स्ट्रेट लाइन बनती थी, तो इसी के हम लोग अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसी में दो टर्म आता है। देखिए, पहला टर्म आता है आपका कंसिस्टेंस। क्या आता बताइए, आपका कंसिस्टेंस आता है। तो आपको पूछेगा सर कंसिस्टेंस क्या होता है, अभी आप लोग को समझाता हूँ क्या होता है। और दूसरा टर्म आता है इनकंसिस्टेंस। क्या आता बताइए आप लोग, इनकंसिस्टेंट आता है। तो जैसा हमें लग रहा है कि भैया कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस दोनों क्या है, दोनों बेसिकली अपोजिट है। तो जो हमारा कंसिस्टेंस होता है, यह एक लाइन की कंडीशन होती है। क्या बच्चों होती है, लाइन की कंडीशन होती है। अगर हमारी कोई भी लाइन है, वह अगर आपकी इंटरसेक्टिंग है, क्या है बच्चों, इंटरसेक्टिंग है, या तो आपकी कोइंसिडेंट है, ठीक है, क्या है आपकी कोइंसिडेंट है, ठीक बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, वह आपकी लाइन बेसिकली क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक बच्चों, उसी प्रकार जो हमारी अगर लाइन है वह पैरेलल आगे, यानी उस लाइन हमारी हमेशा क्या आगे, पैरेलल आगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट है। तो भैया ये सब हमारी क्या है, लाइन की ही प्रॉपर्टी के हिसाब से बताएंगे कि भैया आपका कोई लाइन कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट है। देखिए एक बार मैं फिर से आप लोग समराइज कराता हूँ। अगर कंसिस्टेंस है तो कैसे पता करेंगे, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन दिख गई तो भैया आँख मूंद कर कह देंगे भैया लाइन कंसिस्टेंट है। अगर आपको पैरेलल लाइन दिख गई तो क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंस है। पैरेलल लाइन क्या, मान लीजिए इस तरीके की लाइन दिख गई तो आँख मूंद कर क्या कहेंगे बताइए आप लोग, हाँ इनकंसिस्टेंट है या पैरेलल लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग है, जान ही रहे भैया इस तरीके से कोई लाइन जा रही, एक लाइन है या एक लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगी, यह आपकी बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए, कंसिस्टेंस मतलब कि इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन। अब कोई पूछेगा सर कैसे पता करें कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइन है, इसका तो बहुत हमारे पास आसान है, इसका हमारा क्या मेथड है। तो मेथड को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं भैया हमारे टू वेरिएबल लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। देखिए मैं बताया था, हाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो भैया हमारे पास दो लाइन लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ए वन बी वन और सी वन लिख देते हैं। उसी प्रकार हमारी दूसरी लाइन मान लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। यह हमारी क्या मान ली भैया, यह आपकी हमारी दो लाइन है। तो देखिए अब हम लोग कंडीशन निकालते हैं कब इंटरसेक्टिंग होगी। तो ए वन क्या है, ए वन तो हमारा बेसिकली ए वन क्या है, कोफिशियंट है कि नहीं बताइए आप लोग, हाँ बिल्कुल कोफिशियंट है। तो भैया एक कंडीशन बनती है पहली आपकी इंटरसेक्टिंग के लिए, किसकी कंडीशन बनती है बचाइए बच्चों आप लोगों, इंटरसेक्टिंग के लिए पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपका ए वन इक्वल टू सॉरी ए वन अपान ए टू अगर आपका बी वन अपान बी टू के इक्वल नहीं है तो आपकी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ए वन मतलब भैया जो कोफिशियंट है एक्स का कोफिशियंट, और एक्स का कोफिशियंट अगर दोनों आपस में वाई के कोफिशियंट के इक्वल नहीं है तो हम आँख मूंद कर क्या कहेंगे, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर सारी चीज़ें इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट होगी, यानी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है बताइए आप लोग। अगर ए वन आपका ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू सी वन अपान सी टू, यह तीनों चीज़ों इक्वल हैं, यानी तीनों भैया ए वन का कोफिशियंट सॉरी एक्स का कोफिशियंट और वाई और कांस्टेंट टर्म तीनों अगर आपस में इक्वल है तो क्या कौन सा क्या कंडीशन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी बच्चों। और जो हमारी थर्ड कंडीशन है पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन का तो सबसे आसान है कि भैया ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू तो हो, लेकिन हमारा कांस्टेंट टर्म आपस में क्या हो, आपस में इक्वल ना हो। क्या मतलब, बेसिकली अगर भैया देखिए कोफिशियंट तो भैया एक्स और वाई की इक्वल है, समझ बात आता है, लेकिन अगर उसके कांस्टेंट का रेशियो, ठीक बच्चों कांस्टेंट का रेशियो नहीं सेम है तो कह देंगे नहीं। अभी हम इसको एग्जांपल के भी थ्रू समझेंगे। तो देखिए अब मैं देखिए एक आप लोगों के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ कि भैया कैसे पता करेंगे। मान लीजिए हमें कोई लाइन लेते हैं एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स ले लेते हैं, और एक लाइन हमने टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू हमने ट्वेल्व ले लिया। चलिए बताइए यहाँ पर ए वन की वैल्यू कितनी है, थ्री है सॉरी वन है, और बी वन की वैल्यू माइनस थ्री है, सी वन की वैल्यू बेसिकली सिक्स है, ठीक बच्चों। और हम लोग यहाँ पर ए टू की वैल्यू क्या है, टू है, ठीक बच्चों, और बी वन सॉरी बी टू की वैल्यू माइनस थ्री है, सी टू की वैल्यू कितनी है बताइए आप लोग,
हाँ 12 है। तो प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है एक ही साइड में होना चाहिए, ये नहीं कि भैया 6 इधर है तभी इसको कंसिडर करेंगे, हमेशा हम लोग एक साइड का लेंगे, या तो 6 को भैया इधर ही लेते आइए और 12 को इधर लेते आइए, या तो भैया इक्वल टू को इधर रख लीजिए, ठीक है। बस हमें यहीं पर गलती नहीं करनी कि भैया यहाँ तक मान लीजिए 2x-3y = -12 दिया है, इसको c2 = 12 रखेंगे, नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग एक ही साइड ले जाएंगे, ठीक है, एक साइड हम कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इस तरीके के हमारे एग्जांपल, तो देखिए इसमें समझते हैं। चलिए बताइए ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, देख चेक कर लेते हैं भैया। a1 upon 2 = हाँ -3 upon -3, तो अच्छा बताइए दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल, तो भैया यह आपकी लाइन कौन सी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन में। बस हम आँख मुंडकर कर देंगे भैया, ये जो हमारी लाइन है बेसिकली क्या है, ये लाइन हमेशा आपकी इंटरसेक्टिंग होगी। आप लोग इसका ग्राफ ड्रा करिएगा तो ये भी क्या आएगा, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ठीक प्यारे बच्चों। तो बस हमें दो बातों का ध्यान रखना, कौन कौन सी बातों का बच्चों ध्यान रखना है, कि भैया अगर आपसे कह दे कि ग्राफ के मेथड से बताइए कि भैया लाइन कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस, कैसे बताएंगे कंसिस्टेंस के लिए भैया इंटरसेक्टिंग या कौन सी लाइन पता करेंगे, उसको कैसे पता करेंगे, इसी से कि इंटरसेक्टिंग है तो दोनों का रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो कितना होना चाहिए, b1 और b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसी कंडीशन को लगाएंगे, तीनों हम काम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में, ठीक प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, भैया हमें क्या करना है, प्रॉब्लम दे दी है उसका ग्राफ से हमें सॉल्यूशन पता करना है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि भैया 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूब, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी भैया गर्ल्स की नंबर क्या है 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज से, तो हमें पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स दैट टेक इन द पार्टिसिपेट। तो बहुत आसान है, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग देखिए बच्चों बहुत आसान है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि लेट गर्ल बी एक्स, कि गर्ल की संख्या कितनी है एक्स है, और बॉयस क्या मान लेते हैं, बॉयस को हम भैया वाई मान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अच्छा ये बताइए जब 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नहीं लिख सकते कि भैया दोनों बच्चे यानी बॉयज और गर्ल्स मिला के दोनों को वैल्यू आपकी 10 हो गई, ठीक बच्चों। इसी प्रकार हमारा आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जो गर्ल्स हैं वह चार मान लीजिए बॉयज से क्या है 4 ज़्यादा हैं, तो हमारी जो गर्ल्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई प्लस 4 की इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि भैया आपके पास 5 रुपये ज़्यादा है, तो क्या आप लोग प्लस का 4 ही करेंगे कि नहीं, बिल्कुल 4 करेंगे। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों यह हमारी दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने भैया क्या बना लिया, दो वेरिएबल बना लिया। अब तक तो हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किससे सॉल्व किया है, हाँ ग्राफ से, तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और हमने वाई इधर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया प्यारे बच्चों। इसको हमें करना है ग्राफ से सॉल्व, इसलिए आप लोग इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसका हम लोग बॉक्स बनाते हैं, कैसे देखते हैं, सबसे पहले बारे में हम एक्स और वाई लिख लेते हैं। अब एक्स इक्वल टू 0 रखिए तो वाई इक्वल टू 10 आ रहा है, ठीक बच्चों, और उसी प्रकार वाई इक्वल टू 0 रखिए तो एक्स इक्वल टू आपका 10 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों इसका जब हम ड्रा करेंगे एक्स माइनस वाई वाले का, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू और वाई रख दें, एक्स इक्वल टू 0 होगा, सॉरी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू माइनस 4 आएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों वाई इक्वल टू आप लोग 0 रखें तो एक्स इक्वल टू 4 आ रहा, तो भैया हम इसका क्या ड्रा करते हैं, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, तो हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहला वाला का क्या होगा, 10, 10, यानी भैया यहाँ पर होगा 10 और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया 10, तो भैया यही हमारा 10, 0 का कोऑर्डिनेट ए हो गया, और 0, 10 यानी पहले लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, इक्वल टू 10 वाला आ गया। उसी प्रकार बच्चों फिर बच्चों हमारा दूसरा क्या आ रहा है कि एक्स और वाई दे दिया है, एक्स और वाई देखिए कहाँ पर है, एक्स आपका 0 है, वाई क्या है माइनस 4 है, तो मतलब कुछ यहाँ पर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और प्यारे बच्चों हमारे एक्स इक्वल टू 4 दिया है, कितना दिया बताइए आप लोग, 0, 4 दिया है, ठीक है, वाई इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारा 4, 0 यहाँ पर लाई करेगा, यानी इस वाली लाइन की इक्वेशन हमारी इस तरीके से कुछ आ रही है। तो प्यारे बच्चों हम लोग ये बताइए
यहाँ पे हमारी क्या बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। तो बस हम इसी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमने ग्राफिकल भी रिप्रेजेंटेशन कर लिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताइए यहाँ से जो हमारी लाइन जा रही है यहाँ पे कितने पे कट कर रही है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए हम लोग बस सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका इसके लिए क्या दिया है बताइए आप लोग, हाँ 4 दिया है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी x के 2x इक्वल टू 6 आ गया, यानी x इक्वल टू 3 आ गया। और जब हम इसी की वैल्यू रखेंगे y में तो हमारी y इक्वल टू 7 आ गया। तो यही हमारा 7, 3 यहाँ पे बेसिकली आएगा। ठीक बच्चों इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, आ गया कि नहीं, बहुत आसान है प्यार बच्चों। तो देखिए हमने क्या किया, हमने जैसे इक्वेशन बनाया और इक्वेशन को ग्राफ में जैसे हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि भैया ये x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू रखिए, आप लोगों को काम हो जाएगा प्यार बच्चों। और जहाँ पर हमारा कट करेगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो आप लोग याद रख लीजिए जहाँ पे कट करेगा उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे, उसी को हम सोल्यूशन कंसीडर या उसी को हम लोग आंसर मानेंगे। ठीक बच्चों तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, इसमें क्या दिया है कि 5 पेंसिल एंड 7 सॉरी पेन टुगेदर की कॉस्ट 50 रुपी है। तो और उसी प्रकार दो कंडीशन दी है, इसको भी हम लोग इक्वेशन बना के आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को परफेक्शन आएगी, ठीक है। परफेक्शन के लिए आप लोग इसके लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है, आप लोगों का यह होमवर्क है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पैरेलल। तो कुछ नहीं, देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन की कंडीशन पढ़ी थी। यही बात हमें बस इसी को हमें यूज करना है और हमें बताना भैया पैरेलल लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन है कि कौन सी लाइन है। बहुत आसान है, देखिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस के लिए करिएगा। ठीक बच्चों देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 5x-4y+8=0 और 7x+6y-9=0 दिया है, दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, a1 की वैल्यू बताइए 5 दिया है, b1 की वैल्यू -4 दिया है, ठीक बच्चों, और c1 की वैल्यू आपकी 8 दिया है। तो मैंने बताया था कि भैया सब एक साइड में रहना चाहिए, एक साइड में तो कोई बात नहीं तब भी हमारा काम सही है। और a2 की वैल्यू 7 दी है, b2 की वैल्यू आपकी 6 दी है, और आपका c2 की वैल्यू -9 दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बस कंडीशन लगाते हैं। तो आप लोग a1/a2 देखिए कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है, b1/b2 कितना आ रहा है, -4/6 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये जो हमारे दोनों लाइन है क्या है, ये दोनों लाइन हमारे बेसिकली इंटरसेक्टिंग है। क्या लाइन है बताइए बच्चों, इंटरसेक्टिंग है। कोई पूछेगा ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ा है कि भैया अगर हमारी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब हम इसको क्या कहेंगे कि हमारी लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। आसान है कि नहीं, बहुत है आसान है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार आप लोग सेकेंड वाले बताइए क्या आएगा, ठीक है। बस हमें a1/a2 लिख के काम कर लेना है। और थर्ड वाला देखिए, मैं देखिए इसको ट्रिक बता रहा हूँ कि देखिए यह जो हमारा, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसे 3 कॉमन लेंगे तो देखेंगे दोनों लाइन लगभग सेम आ रही है, तो हम कह देंगे पैरेलल लाइन। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर a1/a2 = b1/b2 है, सेम है, लेकिन अगर हमारी जो कांस्टेंट टर्म वो इक्वल नहीं है तो हमारी क्या लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। यही इसकी पैरेलल लाइन की कंडीशन, तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चों। तो कुल मिला जुला कर देखिए दो क्वेश्चन हमने तो कर लिया। तो बहुत ध्यान से आप लोग बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd है, क्वेश्चन नंबर 4th है, तो क्वेश्चन नंबर बाकी जितने हैं आप लोग सबसे पहले अब यहाँ पर वीडियो स्टॉप करिए और जाके उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगी। तो उसी वजह से प्यारे बच्चों बताने के लिए मैं सब बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग करना क्या है कि आप लोगों को सॉल्व करना उन सब सारी एक्सरसाइज को। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं सारी इसके आगे वीडियो बनाऊँगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों आज के स्टूडेंट बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3rd के बारे में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd बेसिकली सेकंड की तरह है। क्यों, क्योंकि दोनों में पूछ रहा है कि भैया ये लाइन कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था कि आप लोगों को बस दो बातें ध्यान रखनी कि भैया अगर हमारी कंसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारी लाइन है इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है, और इनकंसिस्टेंटली क्या
देखेंगे हम लोग बच्चों, हाँ पैरेलल लाइन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या है कि अगर हमारा कोफिशियंट का रेशियो यानी ए वन अपान ए टू की वैल्यू अगर बी वन अपान बी टू के नहीं इक्वल है तो हमारी कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग। उसी प्रकार हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है और हमारे पास पैरेलल लाइन की भी कंडीशन, ये बात तो भैया आपको याद ही होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, तो इसमें जो हमारी पहली लाइन है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि आपका देखिए, बेसिकली हमें इक्वेशन क्या दिया है कि भैया एक इक्वेशन दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 दे दिया है, ठीक है बच्चों, और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 दिया है। अब पूछ रहा है भैया कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट है, तो बहुत आसान है, इसका ए वन इक्वल टू 3 है, बी वन इक्वल टू 2 है, सी वन इक्वल टू 5 है, ठीक बच्चों, और इसमें a2 इक्वल टू बेसिकली 2 है, b2 इक्वल टू माइनस 3 है। प्यारे बच्चों में साइन के साथ लिखना ना, c2 की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो प्यारे बच्चों बस हम देखते हैं क्या a1 अपान a2 नहीं इक्वल है b1 अपान b2 के, बताइए आप लोग, हाँ बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि 3/2 इक्वल टू माइनस 3/2 है ना, तो बेसिकली इक्वल नहीं है। तो यह हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, यह हमारी कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी, ठीक बच्चों, क्यों, क्योंकि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन दोनों क्या होती हैं, दोनों आपकी कंसिस्टेंट होती हैं। और ये कौन सा टाइप बताइए आप लोग, हाँ यह इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारे पास अगला जो सेकेंड वाला है, इस वाले में भी प्यारे बच्चों हम लोग A1 और A2 चेक करके अपना काम आसानी से कर लेंगे कि नहीं, बिल्कुल कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए, सेकेंड थर्ड और फोर्थ भैया आप लोग अपने से करिएगा, देखिए प्रैक्टिस तो आप ही लोग करनी है, क्या करना है, बस हमें A1 और A2 कंपेयर करना है। तो वीडियो बड़ी ना हो, आप लोगों को सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग होमवर्क में करिएगा। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट, तो भैया इसमें भी हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो चलिए हम लोग इसको बताना, और इसका हमें बेसिकली सोल्यूशन भी निकालना है। तो सोल्यूशन निकालना तो हम लोग जानते ही हैं, बस हमें फोकस किस पे करना है, बताइए आप लोग, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट पर। चलिए इसको भी मैं आप लोगों को होमवर्क ही दे रहा हूँ, क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि भैया प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है ना, पेपर आप ही लोग देना है। तो बस आप लोग जिन बच्चों कोई भी दिक्कत हो, तो देखिए मैंने सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसको मैंने सारा करवाया था, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए भैया ये सब सारे क्वेश्चन अपने से करिए। चलिए अच्छा, मैं लास्ट वाला बेसिकली बता देता हूँ क्या हमारा होगा, ठीक बच्चों, क्या दिया है आपको इक्वेशन, क्या दिया, 2x दिया है और -2y इक्वल टू -2 इक्वल टू हमें 0 दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है, और दूसरा इक्वेशन 4x -4y -5 इक्वल टू 0 दिया है, बिल्कुल दिया है प्यारे बच्चों। तो बस हमारे लिए काम आसानी हो गया, तो हमें a1 अपान a2 लिखी यहाँ से 2/2, ठीक बच्चों, यहाँ से हमने लिखा माइनस रहेगा ना, -2 है, यहाँ से हमने 4/-4 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी हमने इक्वल टू अभी लगा रहे हैं क्योंकि चेक कर लेंगे कंडीशन है कि नहीं, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे बेसिकली आपका -5 है। तो प्यारे बच्चों सही बात हो गई क्या, हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 इक्वल टू -1, लेकिन यह आपका -2/5 के इक्वल नहीं है, क्या -1 आपका -2/5 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो कह देंगे भैया यह आपकी पैरेलल लाइन बन गई कि नहीं, यह हमारी कंडीशन हुई पैरेलल लाइन की, तो हम कह देंगे यह क्या है, यह आपकी इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। तो आप लोग बस ध्यान से कर लीजिए, ठीक प्यारे बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ के बारे में, जो हमारा क्वेश्चन फिफ्थ बहुत आसान है, इसमें क्या दिया कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ, मतलब कि भैया जो आपका गार्डन है उसकी लेंथ जो है, मान लेते भैया लेट लेंथ बी एक्स, हमने लेंथ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और हमने मान लेते भैया विड्थ यानी उसकी जो हमारी विड्थ है उसको हमने वाई कंसिडर कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन करा जो इसकी लेंथ है वह बेसिकली क्या है, 4 मीटर मोर देन द इट्स विड्थ है। तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नहीं लिख सकते, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 लिख सकते कि नहीं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमें और क्या करा है कि जो इसका जो पेरीमीटर वह क्या हाफ है, तो अच्छा बताइए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, बताइए आप लोग, हाँ 2 times आप लेंथ, मतलब लेंथ हमने x कंसीडर किया प्लस ब्रेथ इक्वल टू होता है कि नहीं, ब्रेथ हमने y कंसीडर किया तो y रख देते हैं, इक्वल टू हमारा कितना होता है, हाँ इक्वल टू हमें 36 दिया है, लेकिन भैया जो पेरीमीटर है उसका आधा दिया है, तो मान इससे हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए कुल मिला जो मैं समझाता हूँ क्या होता है,
टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, लेकिन जो हमारा पेरीमीटर उसकी आधे की वैल्यू दिया। अच्छा तो टू टाइम्स एल प्लस बी की आधे वैल्यू क्या, दो से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से हमारा एल प्लस बी आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार मैंने भी एल की जगह हमने एक्स कंसिडर कर लिया, वाई की जगह हम लोग क्या कंसिडर कर लिए, सॉरी बी की जगह हमने क्या कंसिडर कर दिया, वाई कंसिडर की, यानी 36 आ गई। तो प्यारे बच्चों हमें दो इक्वेशन मिले कि नहीं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर पहला इक्वेशन ए हो गया। दूसरा इक्वेशन प्यारे बच्चों कौन सा बताइए आप लोग, हाँ बहुत सही, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 प्यारे बच्चों। तो बस हमें दो इक्वेशन मिल गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी तक तो हम भैया ग्राफ मेथड से ही सॉल्व करना सीखे हैं, तो हमें उसी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, ठीक बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हमें एग्जाम में हाल में पूछा जाएगा, अगर हमें ग्राफ से नहीं करा सॉल्व करने के लिए, तो आगे चलकर हम तीन मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक बच्चों, और दूसरा एलिमिनेशन पढ़ेंगे, और तीसरा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। तो हम उसी से करेंगे, हम ग्राफ से नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना भी रहेगा। तो प्यारे बच्चों हमें ध्यान देना कि हमें ग्राफ से नहीं बल्कि इन तीनों मेथड से करना है, ठीक प्यारे बच्चों। अगर फोर्स करके कह रहा है तो हम इसे कर लेंगे, ठीक बच्चों। तो आप लोग एक बार ग्राफ से ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफ से हमें आना केवल जरूर इस कंसेप्ट आना चाहिए, लेकिन हम सॉल्व तीनों मेथड से करेंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमें छठवां में दिया है कि गिवन ए लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर इक्वेशन। भैया हमें एक इक्वेशन दे दिया है और हमें और इक्वेशन लिखना है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करे, जो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करे, और जो कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करे। तो हमें देखिए बेसिकली क्या दिया है सिक्स्थ वाले में बच्चों, क्या दिया बताइए आप लोग, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, पहली लाइन हमें ए दे दिया है। तो प्यारे हम लोग बच्चों क्या करते हैं भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन हमें बनानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या ध्यान रखें कि भैया जो आपका a1 upon a2 हो, वह हमारा b1 upon b2 के नहीं इक्वल होना चाहिए। तो इसका तो हम कोई भी आंसर ले सकते हैं, इसका आंसर अलग अलग आ सकता है। जैसे मैं ले लेता हूँ 3x और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 27y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर हमें बात कर दे कोइंसिडेंट लाइन की, तो भैया हम लोग जानते हैं कोइंसिडेंट में सारे रेशियो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा इसी के बस, तो रेशियो बराबर हमें लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसी का जस्ट मल्टीप्लाई लेता हूँ, जैसे 4 ले लेता हूँ, 4x प्लस 6y माइनस 16। तो आप लोग देखेंगे 2/4 इक्वल टू 3/6 माइनस इक्वल टू माइनस 8/16। तो देख रहे हैं बेसिकली बच्चों 1/2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो प्यारे बच्चों बस हमें ध्यान में रखना है कि भैया हमें कंडीशन याद रहेगी तो हम लोग अपना काम कर लेंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो भैया पैरेलल लाइन के लिए आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि पैरेलल लाइन आप लोग लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका पैरेलल लाइन वाली कंडीशन होमवर्क है प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेवन्थ वाला, क्या कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो भैया हमें ग्राफ से क्या बनाना है बताइए आप लोग, ट्रेंगल बनेगा उसी बताना है। तो ग्राफ बनाना है तो बहुत आसान है, कैसे आसान है, बस हमारा जो पहला इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है, इसका बनाने के लिए बस आसान मेथड एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे, और हम लोग दो वैल्यू रखते हैं, लेकिन एग्जाम हाल में आप लोगों को कम से कम तीन वैल्यू रखनी है, ठीक प्यारे बच्चों। दो रखेंगे कोई बात नहीं, तीन रखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर x रखें, यहाँ पर y, एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपकी y की वैल्यू बेसिकली 1 आएगी, अगर आप y इक्वल टू 0 रखेंगे तो y x इक्वल टू माइनस 1 आएगी। इसी प्रकार बच्चों आप लोग एक और वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा हमें इक्वेशन क्या दिया है कि भैया 3x माइनस सॉरी प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया, इसका भी हम लोग रखते हैं। चलिए मेरे साथ रखिए, यहाँ पर हमने x कंसिडर किया, यहाँ पर y, तो x की वैल्यू 0 रखिए, ठीक है, तो हमारा y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों हम y इक्वल टू 0 रखते हैं कि नहीं, बिल्कुल 0 रखते हैं, तो हमारी x की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों बस हमें क्या ड्रा करना, ग्राफ ड्रा करना तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि बस हमें बताइए एक्स एक्सिस पर इसका हम लोग ड्रा कर, पहले 0 यहाँ पर है, माइनस 1 आपका नीचे होगा, यहाँ पर आपका बच्चों एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1, यानी हमें ऊपर चलना है, यानी 0, 1 यहाँ पर होगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों वाई की वैल्यू हमें 0, एक्स की वैल्यू माइनस 1, यानी 0,
माइनस वन कामा जीरो, या हमारी लाइन इस तरह मिला देंगे, हमारा काम हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, या आपका जीरो है और जीरो कामा सिक्स मान लेते, भैया कुछ थोड़ा सा बहुत ऊपर लाई करेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लाई करेगा, और प्यारे बच्चों जीरो कामा फोर यहाँ पर लाई करेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग देख क्या रहे भैया, यही आपका क्या बन रहा है, यही आपका बन रहा है क्या, यही आपका बेसिकली बन रहा है, बोलिए आप लोग, यही आपका कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो भैया ये वाला हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। इसका और इसका तो हम लोग जान ही रहे हैं भैया, इसका क्या होगा, फोर कामा जीरो होगा कि नहीं, बिल्कुल जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पर हमने कट किया। तो प्यारे बच्चों यही हमारा ट्रायंगल बताना था, इसको पॉइंट आप लोग निकालिएगा, ठीक है, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अब कोई पूछेगा सर कैसे करेंगे, अरे बच्चों हम लोग अभी एलिमिनेशन वाला पढ़ेंगे तो उसके थ्रू हम लोग बता लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए धन्यवाद, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो आपको पसंद आई हो या किसी बच्चे कुछ भी डाउट हो तो पूछ ले, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज के लिए धन्यवाद।